नमस्कार, फरीदाबाद टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका चौहान। बुलेटिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। अपनी मांगों के समर्थन में हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने फरीदाबाद में भी चक्का जाम किया, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। जहां लोग सुबह से ही लोग रोडवेज बसों का इंतजार करते नजर आए, वहीं अंत में यात्रियों को ऑटो, निजी वाहन और अन्य राज्यों की बसों में जाना पड़ा। वहीं भारी पुलिस बल होने के बावजूद भी कर्मचारियों ने एक भी बस को डिपो से बाहर नहीं जाने दिया। आपको बता दें कि रोडवेज कर्मचारियों की माने तो सरकार ने उनसे उनकी मांगों के समर्थन में बात करने का आश्वासन दिया हुआ था, लेकिन जब सरकार ने इस संबंध में कर्मचारी नेताओं से बात नहीं की तो सभी कर्मचारी संगठनों ने एकजुट होकर हरियाणा में चक्का जाम की घोषणा कर दी थी। आज जो हड़ताल की जा रही है, क्या हरियाणा का चक्का जाम है इसमें? हाँ, हरियाणा का चक्का जाम है। रोडवेज कर्मचारी सभी 8 यूनियन एक मंच पे होके हड़ताल पर हैं, जिससे कल तक सरकार ये कहती हम बात करने के लिए आपके पास में इतला कर रहे हैं, जो बात नहीं करी, इसलिए शाम को सभी जगह हमारे पास में 5 बजे सभी यूनियन पदाधिकारियों ने इकट्ठी चंडीगढ़ में मीटिंग कर गए। उसी टाइम 5 बजे सबके पास से कॉल कर दी, जो कि मीडिया वालों ने TV पर भी रात को पूरी रात चली है। एक हरियाणा रोडवेज की बिल्कुल पसे बन गई। हमारी मांग है कि प्राइवेट परमिट जो है ये नहीं दिए जाएं, इसकी एवज में रोडवेज के बेड़े में 10,000 बस डाली जाएं और 50-60,000 नई नौकरियां पक्की भर्ती की जाए, जिससे जनता को सुविधा होगी और हमारा रोज का ये रोना रपटा है प्राइवेट के साथ ये खत्म होगा जी। तो कब तक चलेगा इधर ये? हमारी सांकेतिक हड़ताल है आज के लिए। क्या आगे भी चलती रहेगी इस तरीके से? आगे हमारी यूनियन का जो भी एजिटेशन होगा, जो भी हमारा आदेश होगा ऊपर से, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। जैसा भी आदेश ऊपर का आएगा उस पर कार्रवाई करेंगे। पूरे फरीदाबाद का चक्का जाम है? पूरे हरियाणा प्रदेश का चक्का जाम है। हमने अपनी एक रिजर्व और चौकीदार बस स्टैंड और मैं खुद यहाँ पे अपना SP सिटी साहब और SSP साहब ने सारी फोर्स यहाँ पर लगाई हुई है। रोडवेज वाले जो कर्मचारी हैं वो शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। बसें सारी अभी बंद हैं, कोई बस उनकी तरफ से चल नहीं रही है, तो अपनी तरफ से फोर्स वहाँ पे खड़ी है, शांतिपूर्वक लोग बैठे हैं। सर, यात्रियों को परेशान ना हो, जिसके चलते क्या इंतजाम किए गए हैं पुलिस तरफ से? यात्रियों को तो परेशानी का सामना उठाना ही पड़ रहा है, वो प्राइवेट व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं। कल बसें बंद होने के बाद उनको प्रॉब्लम तो हो ही रही है।